तो मेहमान आ चुके हैं और जी तो ये चिकन भी हो गई है, निम्को भी, और साथ में केक शेक रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? हम लोग ठीक हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वाह वाह, सेटिंग्स चल रही है यार। आज वो काम खत्म कर लो, एक महीने से लटकाया हुआ है आपने मेरा काम, वो जो कपड़े इतने निकाले हैं डोनेशन के लिए। तो फिर एक काम करें, मेरा पता है क्या मूड है? क्या? मेरा मूड है एक स्पेशल चीज खाने का जो लेके घर पे आ जाएंगे, हो सकता है आज हमारे मेहमान भी आए। तो एक काम करते हैं, वो कपड़े उधर ही जाना है। हाँ। पहले वो कपड़े दे लेते हैं, फिर वो चीजें लेके आ जाते हैं। असल में जब हमने डी क्लटर किया था तो बहुत सारे बच्चों के कपड़े भी निकाले हुए थे और अपने भी। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना ईदी होम दे आते हैं जमा करते। तो आपको इतने सारे जमा हुए तो लेट्स, गाड़ी भरी हुई है और भी कोई देख लो, अगर है निकालने वाले तो निकाल लो, अभी देख लो। चले जी, चलते हैं वहां से, फिर लेते हैं खाना भी एक जगह से स्पेशल, मेरा आज उसका बहुत मूड है, वो लेते हैं। ठीक है, हम निकल चुकी हूँ और ये फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही थी, सदाबहार के जो है वो कितने अच्छे यहाँ से भी ग्रो कर गए हैं ना। और अब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। कहाँ जा रहे हैं आप बताओ? चलो चलते हैं, देखते हैं अच्छा, हम कहाँ जाएंगे। मैं एक चीज देख रहा हूँ, ईदी सेंटर। हाँ, ईदी सेंटर एक करीब वाले पे चलो यार। यार वो सुनने में आया कि फैसल टाउन में, उन्होंने ही मुझे बताया था कि फैसल टाउन में भी है। मैं किया था आज आसिफ को सजा मिल गई, आसिफ का वॉलेट रह गया घर पे, काफी आगे आके वॉलेट घर पे भूल गए हैं। अच्छा, वो पहुंची जाएगी इनको क्या हो गया, ये वापस पलट गए हम। और यहाँ पे होम लिखा हुआ है, पता नहीं ये लोग सामान कलेक्ट करते हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा जी, तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ को नेगेटिव ना लिया जाए या ये ना कहा जाए, क्योंकि इसमें जो है ना हमने ये किया है कि वो कपड़े जो बिल्कुल पहनने के काबिल थे, बच्चों को छोटे हो गए थे या कुछ मेरे बिल्कुल ठीक कपड़े, वो हम डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं काम वाली, मेरा साइज़ काम वाली को आता ही नहीं है, सबसे पहले ये मैं जमा कर लेती हूँ ताकि, और मैं आप लोगों को इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं और घर में पड़े रहते हैं, तो आप जमा करके इस तरह से कर दिया करें। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, आइडिया के लिए शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ को नेगेटिव ना लिया जाए, पॉजिटिवली जो है वो इस चीज़ को लिया जाए। और दूसरा ये कि क्योंकि अक्सर सुस्ती में भी रह जाता है कि हम पड़े हैं पड़ी ये चीज़, तो आप उसको डीप लेटर करें। और इतने बुरे हालात में अगर हमारी कोई चीज़ किसी के काम आ जाए तो और क्या चाहिए। तो हम आए हैं पीआईए रोड पे ढूंढने, आ जाना तो हमने तो टाउनशिप है ना आसिफ, टाउनशिप से मिलती है हलीम कूजी। हलीम का बड़ा आज मूड था, लेकिन आसिफ कह रहे थे कि यहाँ पे भी पीआईए रोड पे बन गई है, लेकिन अब आसिफ कह रहे कि लगता है बंद हो गई है, ये मुझे टोपी नहीं करा रहा है, प्लान तो नहीं है। पे थी यार, अब हम ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे हमें मिल जाए, क्योंकि आज हलीम खाने का ना हमारा फुल मूड हुआ है। उसी हलीम हम आ चुके हैं और बोर्ड इन्होंने पता नहीं हटाया हुआ था और हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन खैर अब हमें मिल ही गई। अच्छा, आसिफ के फ्रेंड्स ने, फ्रेंड्स की फैमिली ने आ जाना है और अब मैं ढूंढने आई लूडो और ये हमें मिल गया। जल्दी से खाना रखो, खाना खाएं और फिर मेहमान भी आ रहे हैं। खाना रेडी है, देखो मैंने हलीम बना, हाय हाय, आज हलीम जल्दी से रख लो ना, मैं कह रहा हूँ। मेरा बड़ा दिल है कि अपने हाथ की हलीम बनाए और खाएं, वो ज्यादा मजे की होती है। पर वो ही ना, मेहनत बहुत ज्यादा है, इस टाइम रहने ही दे, दूध भर रहे यार, डाल दो कोई बात नहीं भाई। अच्छा, वो कचरा, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी से कर लो, फिर मेहमानों ने भी आना है ना। क्या कर रही हो? ये वाटर पेपर लाई थी, अक्सर चाहिए होता है फ्राइड चीजें के लिए, नायरा के लंच के लिए, तो मैं इसको ना काट के रख लेती हूँ और ये मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। वैसे सही है, इसमें वो जो लंच वगैरह देती है उसमें हो जाता है ना। हाँ, लंच वगैरह के लिए यूज करती हूँ ना, वैसे भी फ्राइड आइटम्स निकालने के लिए। कम से कम ये चिपकता नहीं होगा फ्राइड आइटम के साथ, ऑयल सारा जज्ब कर लेता होगा, है ना। आप लोगों के लिए टिप, बटर पेपर ले आए किसी भी स्टेशनरी शॉप से और ऐसे काट काट के रख लें। और वैसे मेहमानों को अगर कोई ऐसी चीज सर्व करे तो उसके नीचे भी रख देते हैं मेरे ख्याल। अच्छा लगता है ना, ऑयली चीजों के नीचे, ऑयली चीजों के लिए ये सबसे बेहतर चीज है। मेहमान आए नहीं तो कल कल ही लूडो खेलन लगी। लूडो अब ले आए, गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने वो अभी तक आए नहीं, फोन किया भी कह रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा है ना, मैं आपको ये बता रहा था कि जब से हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह से मिलके आए हैं ना, तो लोगों के इतने अच्छे कॉमेंट है। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है, हम काफी दिनों से लगे हुए हैं, इंशाल्लाह और नहीं तो मैक्सिमम कोशिश पूरी है ढकी भाई से मुलाकात की। राबते भी कर रहे हैं, उन्हें मैसेज भी किए हैं, जैसे ही हमारा राबता होता है या जैसे ही उन्हें कमेंट पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं। सर पता क्या, ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनके आप एक मैनेजमेंट, एक कंपनी के थ्रू आप इन तक पहुंच सकते, तो सारा एक प्रोसेस होता है और
आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो हम भी इस कोशिश में और आप लोगों का साथ जो है वो इस तरह मिलता रहेगा, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो है ना आजकल डकी के इतने बड़े फैन हुए, मैंने आजकल डकी भाई का व्लॉग जरा वक्त हमारे घर में चल रहे होते, इंस्पिरेशन है ना ये लोग हमारी, एक नाम है इन्होंने अपना, एक मेहनत से एक नाम बनाया, और इंशाल्लाह इंस्पिरेशन यही है कि मेहनत से हम भी एक दिन कुछ ना पता क्या है। अब मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ, उन लोगों से रابطे कर रहा हूँ, या उन लोगों तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी मेहनत से दिन रात एक करके, आज से नहीं कल से नहीं, आठ आठ साल हो गए मेहनत करते हुए। आपकी फैमिली का कोई हो ना और आप फिर चैनल बना लो, वो ग्रो कर ही जाते हैं, लेकिन ये है या सिस्ट्रोलॉजी है या माज है, जो बिल्कुल कोई भी नहीं इनके पीछे फैमिली में, ये अपने अपने बलबूते पे ग्रो किया। हाँ मैं यही कहने लगा था कि ये अपनी मेहनत से सब आगे आए हैं, और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ ये बात नहीं है कि यार हम डकी भाई से मिलना चाहते हैं, कि हम बड़े बहुत बड़े फैन, हम क्या दुनिया पूरी फैन है यार उनकी। जब वो मैच देखते गए क्या बेचारे, लेकिन यार आप लोगों को थोड़ा सा उनको स्पेस देनी चाहिए, जान निकलते हैं रश पड़ जाता है, लेकिन क्या करें लोग भी उनके इतने फैन, और हमें अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी, वो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं मुझे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें भी उनको जो ना उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जो है ना आगे आ रहे हैं, बिल्कुल, और इसीलिए मैंने थंबनेल भी यही लगाया है और उन्हें टैग भी कर रहा हूँ कि डकी भाई अगर हो सकता है यार कोई 1% चांस हो ना 5 मिनट उन्हें को फ्री हो और हमारे व्लॉग सामने आ जाए, उनके देख लें, अगर वो हमारा व्लॉग देख ले तो मेरी पूरी कोशिश है आपसे मिलने की, और मैं करता भी रहूंगा, और इंशाल्लाह एक दिन आप तक पहुंचूंगा और मिलूंगा जरूर। तो मेहमान आ चुके हैं और हिना बना रही है वही अपना मेरा फेवरेट फ्राइड, वही मेरा फेवरेट क्या कहते हैं, फ्राइड चिकन या ब्रोस्ट बोलते हैं, ब्रोस्ट भी कह सकते हैं, आराम से फ्रीज करके रख दें और जब गेस्ट आए ना जस्ट मेक बैटर, उठाओ तलो तो पेश कर दो, खाने पकाने का मूड ना हो तब भी यही, तब भी अच्छा, ये सबसे बेहतरीन चीज है, मैं हिना से इसीलिए बनवा के रखता हूँ कि अक्सर रात के टाइम मुझे भूख लग जाती है 2-3 बजे, तो ये सबसे आसान है, उठाओ तलो और खाना खा लो, इसीलिए ये मैं हिना से बनवा के लाजमी घर में रखता हूँ। हाँ लेके आए हैं, ये पड़ा हुआ है। अच्छा वो ज्यादा ना बनाने की वजह सिर्फ यही है कि हमारा फ्रिज खराब है, फ्रीजर फ्रिज के तौर पे काम कर रहा है, देखे पानी ठंडा भी नहीं कर रहा, ठंडा बड़ी मुश्किल कर रही है, और बंद किया हुआ है फ्रिज। अच्छा चलाया है अभी के नहीं, चला दिए, चले जी ये बनता है फिर आपको दिखाते हैं। जी तो ये चिकन भी हो गई है, निम्को भी, और साथ में केक शेक रखा है, खाने का उन्होंने कर दिया है अम्मा ना, और ये देखे ये बटर पेपर आज काम आ ही गया ना, आज ही लेकर आए हैं। वैसे डॉली पेपर जो आते हैं ना वो बहुत, इधर मुंह पे बनाओ, जो डॉली पेपर्स आते हैं ना वो बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं अगर आपको गैस के आगे रखना है, लेकिन फिलहाल तो डॉली पेपर्स नहीं है, वो बड़े अच्छे और बड़े स्टोर से मिलते हैं। तो चलें जी अभी गैस को एंटरटेन करते हैं, व्लॉग करते हैं बंद, शुरू हो चुकी है और फुल चीटिंग चल रही है, इतना मजा आ रहा है, ऐसे बात जीत के दिखाए, ऐसी शक्ल दिखा सकती है, इससे जीत रहे ये बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा जी तो आप लोगों को जो बताया, इंशाल्लाह ताला जल्द ही, इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो जल्द ही डकी भाई हम आप लोगों से करेंगे मुलाकात। चलें आज हमें दे इजाजत, और बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, कल तक के लिए दीजिए इजाजत, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।